ये जैक चेंज कर रहे हैं, ये फ्लैक्स पैस लगा दिया हमने। मैं जैसे ये हमारी ड्रिल मशीन है, इस बोर्ड में हम लोग ये जाली कैसे कटिंग करनी है ये आज आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं।
इस तरह से आपकी जाली बाहर आ गई और ये आपकी आईसी, अब आप इस पर आईसी पे काम कर सकते हैं। तुम्हारा फोन ये है फाइनेंस पे है वो, अरे तुमने लिया होगा लेकिन उसकी सिक्योरिटी ब्लॉक है, ये कोड समसिंग में काम करता है, स्टार एच जीरो स्टार एच। ये डालोगे वाला कोड डालो तो पहले, किन के किन में खुला कोड, ये देखो डालो खुला, हाँ हाँ डाल के देखो खुल गया, किन के में खुला, ये ठीक आ लाओ इधर और लाओ, किन के में खुला और लाओ, हाँ लाओ, नहीं खुला, खुल गया ठीक लाओ खुला, हाँ लाओ, हाँ 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 लाओ, फोन डालो फटाफट डालो, क्या देखो देखो डाल के देखो, स्टार है स्टार है, सब बेचेंगे आज मोबाइल परमानंद लाओ भाई, गिर ना पड़े सब फूट फाट गए, लाओ सर सौदा कर लो हमसे इनका, हैं नहीं खुल रहा तो फिर काहे दे रहे हो, जो खुल जाए वो दे दो ज़्यादा लाओ, खुल गया लाओ, किसका है आज सबके राज खुलेंगे यहीं पे, नहीं नहीं बहुत भूल रहे थे ना, आज सबके राज खुलेंगे, और इधर लाओ भाई, हाँ हाँ अरे खुला तो मैम पहले खुला था खुला, ये किसका है, YouTube चलाए हो 11:22 ठीक है, WhatsApp चल रहा था है ठीक है, एल्बम हॉट स्टार ठीक है, 5 जनवरी को है, फ़ोन मैनेजमेंट गूगल कैमरा विडमेट अच्छा, जूम क्रोम ठीक है, ये कौन कौन सी वेबसाइटों पे बेटा घूमते हो, अभी तुम मत सोचो अच्छा रसिया बच गए, अभी रुक जाओ तुम, अरे तो हम दूसरा कोड डालेंगे अभी रुक जाओ तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, जो कुछ करना है हम ही को करेंगे, हाँ जाओ नहीं लॉक नहीं पता कर ले, चेक करें बताओ यूट्यूब व्हाट्सएप कितने बज के कितने मिनट पे, जूम फाइल गूगल फोम क्रोम 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 गैलरी टेलीग्राम अमेजन जियो पॉप्स कैमरा ठीक, वो तो टाइम के साथ में आ रहा है जाओ ले जाओ, बचोगे थोड़ो ना, पूरा लिस्ट है पूरी हिस्ट्री आ रही, लो ठीक है, फंस जाओगे लो, फंसे धरे रहो उसमें कुछ है नहीं, लो ठीक है, अभी कोडिंग बाकी है ठीक है, देख लीजिए ना दूसरे दो दो ना ले जाओ यार, ये क्या हो गया खोद के निकाल लेंगे, छोड़ो ये परेशान ना हो, उल्ला सबका खत्म हो जाएगा, इतने शरीफ बनते थे ना, चेहरे लटक गए आप लोगों के, आप हैं कौन वाला, उसके दूसरे कोड है ना, दूसरे कोड है ना, चलो भाई हाँ 4 बजे आइएगा, पिटकल नहीं करोगे, अरे क्या भाई हो गया, ऑन हो गया, तो आज का टॉपिक आईफोन फ्लैश करना, ओके यहाँ पर जो पुराने फ़ोन उनमें लिखा रहता है आई ट्यून और इसमें कंप्यूटर का ये सिंबल बन के आ गया, यानी कि इसके अंदर क्या होने वाली है फ्लैशिंग, तो आज का टॉपिक आईफोन फ्लैश करना, ओके तो अभी कौन फ़ोन है अपने पास, आईफोन XR, तो पहले इसको लाएंगे हम लोग कैसे आई ट्यून मोड में, तो पहले इस मोबाइल को ऑफ करिए, दिखाइए सबको इधर ऐसे चालू गए उसमें दिखाइए, ये चालू ठीक ऑफ करिए, ऑफ हो गया ठीक, अब वॉल्यूम
डाउन प्लस पावर वाली बटन दबा के डाटा केबल लगाइए और बटन दबा के रखना है। अब ये इसका आई ट्यून मोड आ गया, ठीक है, और इस मोड पे इसकी हम लोग क्या करेंगे, फ्लैशिंग करेंगे और ये अप डाउन दोनों, ठीक है, किसी में जो जिसमें होम की होती है ना बीच वाली, ठीक है, तो वो होम की बटन दबा के रखना है और डाटा केबल लगाना है, 5 से 10 सेकंड के अंदर आई ट्यून मोड आ जाएगा आपका। तो यहाँ पर जो पुराने फ़ोन उनमें लिखा रहता है आई ट्यून और इसमें कंप्यूटर का ये सिंबल बन के आ गया, यानी कि इसके अंदर क्या होने वाली है, फ्लैशिंग, पकड़िए इसको, ठीक है, हाँ हाँ दोनों बटन एक साथ दबा के डाटा केबल लगानी रहती, पावर नहीं, वो पावर बटन और वॉल्यूम डाउन बटन ये है, ठीक है, ओके। अगर कोई मॉडल में अगर आप आई ट्यून नहीं खोल पा रहे हैं तो क्या करिए, गूगल पे सर्च कर लीजिए कि कैसे इसको आई ट्यून मोड पे लाया जाए, बात खत्म। कुछ लोग इसको डी एफ यू मोड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डी एफ यू, कुछ रिकवरी भी बोलते हैं, अपना अपना जिसका जो शौक है करिए, क्या दिक्कत है, बोलने से क्या है, काम होना चाहिए। तो इसके टूल्स कहाँ पे हैं, एक ही आई ट्यून है, ठीक है, और एक और है कहाँ, हाँ मेरेकल के ऊपर, ओके, ये दो टूल हैं। चलिए हम दोनों के इंटरफेस दिखाते हैं खोल के, ये खुल के आ गया, देखो ऑटोमेटिक ही आ गया, अपडेट एंड रिस्टोर दोनों में से आप कोई भी करिए डाटा चला जाएगा और आपका फ़ोन फॉर्मेट होके फ्लैश हो जाएगा। एक बार फ़ोन को डिस्कनेक्ट करिए, देखिए ये टूल्स इस तरीके से खुल के आएगा आपके सामने। जब आप फ़ोन कनेक्ट करेंगे तभी ऑप्शंस आएंगे, ठीक है, आप लगाइए फ़ोन, कनेक्ट करिए, तो देखो ये आ गया। अब आपको क्या करना है, अपडेट और रिस्टोर पे कोई भी करिए आप, रिस्टोर पे क्लिक कर दिया, रिस्टोर एंड अपडेट, ओके। अभी तुमसे कुछ टर्म कंडीशन जो है फाइल वगैरह की करवाएगा, नेक्स्ट, एग्री, और इसने क्या काम कर दिया चालू, ये देखिए कॉर्नर साइड में यहाँ पर फाइल इसने ऑटोमेटिक डाउनलोड करना चालू कर दिया। तो यहाँ 5.82 GB लगभग 6 GB की फाइल है, ठीक है, और ये इसने ऑटोमेटिक डाउनलोड करेगा ये और अपने आप फ्लैश करेगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस हो गया फ्लैशिंग, कुछ नहीं करना है, हो गई फ्लैशिंग उसकी। अब ये ऑटोमेटिक फाइल डाउनलोड करेगा और ऑटोमेटिक पूरे फ़ोन को फ्लैश करेगा, ठीक है। अब बट हो सकता है कि अभी इसको डाउनलोड होने में टाइम लग जाए फाइल को, तो लेकिन ये आई ट्यून मोड हट जाएगा, तो आपको क्या करना है, फाइल डाउनलोड होने दीजिएगा और फिर से कनेक्ट कर दीजिए आई ट्यून मोड पे और रिस्टोर अपडेट पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक ये हो जाएगा, बस हो गया ये सॉफ्टवेयर और कुछ नहीं करना है इसमें। पैटर्न सब खत्म हो जाएगा, तो वो तो एप्पल आईडी तो रहेगी रहेगी, एप्पल आईडी, ठीक है, ये तो थोड़ा डाउनलोड होता रहेगा, निकालिए बाहर देखिए तब भी होगा, तब भी हो रहा है। कितना पैसा लेना है कस्टमर से, अब यार वो कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर वो 80,000 रुपये का फ़ोन लिए 70,000 रुपये का, तो अपना जो भी 8,000 नहीं तो 50,000 तुम लेगो इससे यार, ठीक है, अरे एक लिमिटेड चीज़ें हैं, ठीक है, वो तुम्हारे ऊपर डेट है, 400-500 ले लो, क्योंकि भाई इसकी फाइल भी तो ज़्यादा 6 GB की फाइल है, डाउनलोड करने में टाइम लगता है, तो 500 रुपये ठीक है यार, ठीक है, अब वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करते हो मार्केटिंग में, ठीक है, 700 ले लो, ठीक है भैया वो दे देगा, ठीक है, क्या तो नॉर्मल के लिए क्या है, कोई भी एप्पल का फ़ोन हो तरीका यही है, इसी तरीके से होगा, जो ये ना कर पाया वो कुछ नहीं कर पाएगा सॉफ्टवेयर में, जो ये ना कर पाया वो कुछ नहीं कर पाएगा, तो उसमें क्या था, अब देखिए, अब चलिए इस तब तक ही डाउनलोड हो रही तब तक हम दूसरा वाला टूल देखते हैं, ठीक है, चलिए इसको मिनिमाइज करते हैं, 3U टूल खोलते हैं, ये है, अब ये क्या कह रहा है कि प्लीज कनेक्ट डिवाइस टू PC यूजिंग USB केबल, लगाइए फोन को, देखिए लगाएंगे और खड़ाक से यहाँ पे आएगा लिख के, ये देखो आ गया, आई डिवाइस कनेक्टेड, ओके, और उसने इसका मॉडल नंबर दिखा दिया, iPhone XR है, iPhone 11, ये इसका कोई क्या है, ये प्रोडक्ट टाइप दिया गया, सीरियल नंबर दे दिया इसका, और कह रहा गो फ्लैश, क्या कह रहा है, गो फ्लैश पे क्लिक कर दीजिए, इसने आपको फाइल बता दिया कि भैया ये वाली फाइल करो 5.82 GB है कि नहीं है, अगर आपके कंप्यूटर में डाउनलोड है अगर फाइल, तो आप यहाँ पे इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे, इस जगह पे कहीं से भी फाइल सिलेक्ट कर लीजिए और इसके बाद नीचे फ्लैश वाली बटन दबा दीजिएगा और फ्लैशिंग स्टार्ट हो जाएगी, ये इस टूल से
फाइलें आपके सामने, डाउनलोड पे क्लिक कर दो, यहाँ से भी डाउनलोड हो जाएगी। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? बिल्कुल सरल है, इसमें कुछ है ही नहीं। तभी तुम कहते हैं ये जो ना कर पाया तो फिर कौन करेगा। इससे आपका पिन लॉक, पैटर्न लॉक, फेस लॉक, जितने भी लॉक्स हैं ये हट जाएंगे, ठीक है। इसके बाद अगर आईफोन डिसेबल लिख के आ रहा है ये हट जाएगा। हैंगिंग की प्रॉब्लम है या कोई अदर आ रहे छोटे छोटे डिस्प्ले पे, ये प्रोग्राम करप्ट या कुछ भी है, ये सब खत्म हो जाएंगे। और फ्लैशिंग ही आसान है, इसको हम आसानी तरीके से कर लेते हैं, ठीक है। और इसको होगी कितनी होगी फाइल डाउनलोड है? नहीं, एंड्रॉयड में ऐसा कोई टूल नहीं, कंपनी ये देखो ब्रांड है, ठीक है। जो सैमसंग के देखो बिल्कुल आसान तरीके से हो गया था, ठीक है। ऐसे सोनी है, ऐसे ब्लैकबेरी है, बिल्कुल आसान तरीके से होते हैं, फ़ोन बस कनेक्ट करना पड़ता है। क्या गूगल पिक्सल उसके अंदर सीपीयू कौन सा लगा है? क्वालकॉम लगा है, तो क्वालकॉम के तरीके से होगा, सीधी सी बात है। कौन सा तो गूगल का टूल होगा वो, अगर ब्रांड में देगा। अभी हमने कुछ फोन देखे थे गूगल पिक्सल के, तो उसमें एक चाइनीज सीपीयू लगे थे। हाँ भाई, क्वालकॉम मीडियाटेक यही लग के आते, तो वो उसी तरीके से होंगे। बताया था ना कि अगर सीपीयू अगर चाइनीज लगा तो भाव नहीं देने का है, चाहे कितना महंगा हो। हाँ बताओ क्या क्वेश्चन है? इसको इसमें जो FRP जो होती है उसको मतलब आई क्लाउड बोलते हैं, ठीक है। आई क्लाउड हटाने के लिए आपको पैसे खर्च करने पड़ते हैं, ठीक है। लेटेस्ट मॉडल के नहीं होते हैं, जैसे 13 का अब हो सकता है, साल दो साल में आ जाए सिस्टम, 14 का तो अभी सवाल ही नहीं है। सर्विस सेंटर वाले कर सकते हैं, बट वो भी आपका भले ही फ़ोन है, बॉक्स है, बिल है, तब भी उनका कुछ चार्ज है, वो चार्ज आपसे लेंगे। नहीं तो आप फॉरगेट कर लीजिए, जिसका है आप उसका फॉरगेट कर लीजिए। हाँ तो गूगल टेंडम से अगर आप प्रोसेसर अपना बना रहा है तो फिर वो ब्रांड में आएगा, उसके लिए भी कोई टूल आएगा गूगल का। क्या आईक्लाउड आईडी बनाना? इनकी वेबसाइट पे जाइए, बनाई जाके iCloud.com पे डालिए अपनी मेल आईडी पासवर्ड, जैसे फेसबुक जीमेल आप बनाते हो ऐसे, इस पे बन जाएगा लॉगिन। उसमें क्या है बनाने में? हाँ कोई एक से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई एक से कर लो जो तुम्हें सही लगे, दोनों टूल हैं। चलिए फाइल डाउनलोड होने दो, 6 मिनट बची है, फिर ये होगा आगे। क्या भाई हो गया? हाँ हो गया है, लॉक हो गया मतलब? तो वो तो आएगा, ऑनर द्वारा लॉक किया गया, ठीक है। अब ये इसमें आ रहा डी आगे लिख के आ रहा है, ठीक है। अब इनकी मेल आईडी अगर पता है तो डाल देंगे भैया, तो खुल जाएगा उसमें, डालो खोलो है। हाँ gmail.com ही जीमेल है, ये FRP लॉग है, क्लाउड है। दिखा दो भाई उनको, वहाँ फोन दे दो उनको, समझ रहे हो तुम? पहले जैसे माइक, दो तरीके के माइक यूज होते हैं फोन के अंदर, एनालॉग माइक, दूसरा डिजिटल माइक। इसको चाइना माइक भी बोलते हैं या फिर यूनिवर्सल। इसको डिजिटल माइक या IC वाला माइक भी बोलते हैं। फोन के अंदर दो तरीके के माइक लगे होते हैं, एक 2G माइक, एक होता है 4G माइक, जो कि सबसे पहले 2G के फोनों के अंदर या 3G के फोनों में सबसे पहले जो ये यूज किया गया वो मोटरोला कंपनी थी। मोटरोला एक ऐसी कंपनी थी जो सबसे पहले डबल माइक का सिस्टम लाई। अब तो ट्रिपल माइक भी लग के आते हैं फोन के अंदर, ठीक है। एनालॉग माइक
जो चाइनीज कीपैड वगैरह फ़ोनों के अंदर लगे होते हैं और एंड्रॉयड के अंदर भी काफ़ी दिन तक देखने को मिले, लेकिन बट अब क्या हो गया, अब कौन से आने लगे, डिजिटल माइक आने लगे। अब इसको थोड़ा समझते हैं, एनालॉग और डिजिटल को। इसमें दो पॉइंट होते हैं, एक प्लस और एक माइनस, और इस दोनों पे एक वायर लगे रहते हैं। इसको आसानी से हम सोल्डर कर सकते हैं। डिजिटल माइक में क्या हुआ, कुछ सप्लाइयाँ बढ़ा दी, VDD यानी वोल्टेज ड्रेन टू ड्रेन ग्राउंड, और एक पिन कर दी इसकी डेटा की, और एक ये NC या फिर GND कर दिया गया, ये भी ग्राउंड है। तो इस तरीके का एक माइक मार्केट में पहले आया, पहला डिजिटल माइक। उसमें दो सप्लाइयाँ थी, VDD यानी प्लस की सप्लाई और एक ग्राउंड, और एक डेटा की लाइन इसके अंदर बढ़ गई। फिर कुछ दिन बाद इसमें और अपग्रेड किया गया। जब अपग्रेड किया गया तो एक तो हो गई आपकी VDD यानी वोल्टेज की, एक हो गई डेटा की, एक ग्राउंड, GND का मतलब ग्राउंड यानी माइनस यानी निगेटिव, और एक पॉइंट बढ़ा दिया गया इसका CLK यानी क्लॉक सिग्नल का। क्या बढ़ा दिया गया, जो NC या ग्राउंड थी उसी में क्या कर दिया गया, क्लॉक की लाइन को और जोड़ दिया गया। ये क्लॉक सिग्नल क्या करता है, जो हम लोग बोलते हैं ये क्या है, एनालॉग है, इसको तुरंत डिजिटल में कन्वर्ट करने का काम CLK सिग्नल करने लगा। तो आज के डेट के जो फ़ोन है उनके अंदर ये वाला माइक आपको ज़्यादातर देखने को मिलता है, और इसकी जगह 2-पिन माइक कभी नहीं लग सकता है। ये वाला जब माइक था तो इसके बीच में डेटा और VDD के बीच में 2.2 किलो ओम का रजिस्टर लगा के हम 2-पिन माइक यूज़ कर लेते थे, बट इसमें 2-पिन का माइक संभव नहीं है, क्योंकि इस वाले माइक में क्लॉक सिग्नल की लाइन कहाँ जाएगी, क्वांटिटी तो 2 है इसके अंदर। तो फिलहाल हम लोग माइक जब प्रॉब्लम आएगी तब डिस्कस करेंगे। फिलहाल NC का मतलब नॉट कनेक्टेड, नहीं ये तो पिन NC होगी, नॉट कनेक्टेड होगी या फिर ग्राउंड होगी। VDD का मतलब होता है ये वोल्टेज ड्रेन टू ड्रेन, वोल्टेज ड्रेन टू ड्रेन, और जो माइक पे जो सप्लाई आती है कितना वोल्टेज आता है, वो आता है 1.8 वोल्टेज। 1.8 वोल्ट से माइक आपका काम करता है, और ये वोल्टेज कैसा होता है, एक्टिव वोल्टेज होता है। कैसा होता है, एक्टिव वोल्टेज। अब ये वोल्टेज और एक्टिव वोल्टेज में क्या डिफरेंट है, कोई बताएगा, एक्टिव वोल्टेज वीडियो देखे होंगे अगर मेरे, तो उसमें है एक्टिव वोल्टेज। नहीं बैटरी डाल के नहीं चेक करते, एग्जैक्ट बिल्कुल सही। यानी कि माइक अभी जैसे फ़ोन रखा है, कोई फ़ोन दिखाइए अपना, ठीक, तो अगर आप इसमें बैटरी लगी है, अगर इसका खोल के अगर बैटरी लगा के अगर आप चेक करेंगे माइक पे, माइक के जो टिप्स होंगे भाई, माइक के जो टिप्स हैं प्लस माइनस इस पे, तो आपको यहाँ पे 0.00 वोल्टेज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जब आप कॉल करोगे, क्या करोगे, कॉल करोगे, तो उस टाइम पे माइक क्या होगा, एक्टिवेट होगा उस कंडीशन पे। या फिर आप क्या करोगे, कॉल करिए आप, या फिर रिकॉर्डिंग ऑन करिए, रिकॉर्डिंग ऑन करेंगे तो यहाँ पर 1.8 वोल्टेज की इस प्लस वाले टिप्स पे सप्लाई आपको देखने को मिलेगी। बात समझ में आ रही, एक्टिव वोल्टेज इसी को हम लोग बोलते हैं। नहीं समझ में आया, जब जरूरत है तब आया, वैसे डायरेक्ट पावर ऐसी क्या है, इसको वोल्टेज माइक को नहीं देगी। कब देगी, जब माइक एक्टिवेट होगा जाके। तो माइक पे हमेशा एक्टिव वोल्टेज आते हैं, ये ध्यान रखिएगा। माइक हो गया, इसके बाद तुम्हारा स्पीकर हो गया, ये रिंगर रिसीवर हो गया, इन पे सब पे एक्टिव वोल्टेज आते हैं। एनालॉग माइक की टेस्टिंग 20 किलो ओम पे सेट करना है, एक प्रॉब उठा के इस पे लगा दो और दूसरी इस पे लगा दो, 0.90 से 1.50 की रीडिंग आएगी। ओके सर, किसी भी सेट लगा दो, 20 किलो ओम पे सेट होगा मल्टीमीटर। देखिए 20 के लिखा है कहीं पे, हाँ यहाँ पे माइक चेक होता है, कुछ लोग बजर मोड पे भी चेक कर लेते हैं। परफेक्ट टेस्टिंग इसकी यही है, परफेक्ट माइक यही है। बाद बाद कई बार क्या होता है, 88 नए माइक खरीदोगे तो 88 आती है, कभी 87 की 85, बट वो है सही, सही है, लेकिन कुछ ना कुछ कमी है। जैसे आप लोग बैठे हो बट अंदर क्या जुखाम है, बाद बाकी सब कुछ सही है, गले में खराश है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो करेगा करेगा, तो वैसे ही वो भी है,
हो सकता है स्लो रहे हल्का सा। सैमसंग कीपैड फोनों में सब में आते हैं, चाइना आने वालों में। डिजिटल माइक की टेस्टिंग, यहां पर हम इसको बजर मोड पर सेट करेंगे। किस चेक करना है? ये है तुम्हारे एनालॉग माइक और ये है क्रिस्टल यानी डिजिटल माइक। जियो के जो बोर्ड देखे हो देखो उसमें लगा है कि नहीं लगा है, इस तरह का दो लगे होंगे, देखो चेक करो। पॉइंट अंदर की तरफ होते हैं, इसको इस माइक को निकाल कर चेक किया जाता है, ठीक है। तो पहचान कुछ इस तरीके से होगी, जियो वाले फोर्ड में देखिएगा लगा है कि नहीं लगा है। लेकिन ये टेस्टिंग इसकी, ये उसके लिए है VDD और डेटा वाले के लिए। माइक के ग्राउंड पे रेड प्रॉप कनेक्ट करेंगे, ब्लैक प्रॉप को क्रिस्टल माइक के VDD और डेटा के पॉइंट को टच करेंगे। रीडिंग आए तो माइक ठीक है और बीप करे तो शॉर्ट है, और एक रीडिंग आए तो ओपन है यानी खराब है। देखिए ये वाला माइक है, ठीक है, इसमें डबल डबल दिख रहा है ना, तो समझ में नहीं आ रहा ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं, अभी समझा। बजर मोड पे सेट कर दिया, प्लस माइनस। ये रेड वाली प्रॉप कहाँ, ये क्या है इसमें? ग्राउंड बड़ा वाला, ये भी होता है ग्राउंड, नहीं है तो कोई बड़ा वाले पे एक प्रॉप उठा के यहाँ पे लगा दो। ये किसके लिए है? VDD और डेटा, इसमें CLK की लाइन नहीं है। आपने पहले ये वाली प्रॉप इस पे लगाई पॉइंट पे, तो क्या आई? रीडिंग आई। क्या आई? रीडिंग आई। क्या लिखा है यहाँ पे? क्रिस्टल के VDD डेटा पॉइंट को टच करेंगे तो रीडिंग आएगी। इस पे चेक किया तो यहाँ पर क्या आएगी? वैल्यू आई। फिर आपने यही प्रॉब उठा के कहाँ पे लगाई? VDD पे। फिर क्या मिली आपको? वैल्यू। दो पॉइंटों पे क्या मिल गई? रीडिंग। तो यानी कि इसके अंदर VDD इस पे चेक किया, ये बोला बीप, टी बोला, ग्राउंड हो गया। इस पे चेक किया, ये भी अगर बीप किया तो ये भी ग्राउंड है। नहीं किया, कुछ भी नहीं, कोई रीडिंग नहीं आई। तो आप समझ जाएंगे इस माइक में दो ही लाइनें हैं, एक VDD और डेटा। अगर ये दोनों बीप कर रहे हैं तो शॉर्ट है, और कोई रीडिंग नहीं आ रही है तो ओपन है, खराब है। यानी कि जिसमें VDD और डेटा है, तो अगर रेड ब्लैक, अरे हाँ, रेड प्रॉप को कहाँ पे लगाएंगे? माइनस पे लगाएंगे, और इसके अंदर चेक करेंगे इन पॉइंटों पे, दो पॉइंटों पे। तो दो पॉइंटों पे हमें रीडिंग चाहिए। किस पे चाहिए? दो पॉइंटों पे चाहिए, हैं? वो उसकी रेजिस्टेंस यानी कैपेसिटी क्षमता के आधार पर आएगी। और ऊपर करो, देखिए ये बस ये एक सेक्शन पूरा छोड़ दिया गया है बॉल इसके बना के, बट यहाँ पे कोई भी IC नहीं, कंपनी ने लगाई है। ऐसा क्यों किया गया? कि इन केस फ्यूचर में कभी कोई कंपनी को नया अपग्रेड करना हुआ तो इस जगह वो IC अपनी लगा सकता है। जैसे आप लोग जब घर बनवाते हैं तो ऊपर खंभे के ऊपर सरिया छोड़ देते हैं, याद है कि नहीं है? देखा है? काहे के लिए छोड़ देते हैं? कि इन केस फ्यूचर में कभी अगर हमें कुछ बनाना हुआ तो हमारा ये काम तोड़ फोड़ नहीं करनी पड़ेगी, वहीं से हमारा काम चालू हो जाएगा। ऐसे ही कंपनियां करती हैं कि बोर्ड एक बार डिज़ाइन कर दिया गया, मान लीजिए उनको कोई फंक्शन बढ़ाना हुआ बाद में, तो वो ICयां बाद में वहाँ पे लगा के पूरा बोर्ड बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी उनको, सिर्फ IC लगा दो और उस फंक्शन को अपग्रेड कर दो, इसलिए होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, अब समझिए पहले, चलो इसको और थोड़ा डीप समझते हैं माइक को, कि ऐसा होता क्यों है। टेस्टिंग तो हो ही गई है, ऑडियो ऐसी या पावर ऐसी, अब समझिए इसकी बात चीज़, इसकी समझिए क्या है। कि जब भी यहाँ पर ये माइक लगा है, हमने जब हम बोले, इधर से बोलेंगे ना माइक से, तो ये माइक क्या करेगा? पहले यहाँ सप्लाई कहाँ पे जाएगी? टिप्स पे जाएगी। फिर कैपेसिटर पे होते हुए कहाँ पे पहुँचेगी? IC पे। यहाँ से जो जब तक आप जो वॉयस में जो क्लैरिटी थी, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते IC तक क्या हो गई जाके? वो लो हो गई जाके। और फिर ये IC क्या करेगी? अदर सेक्शन को सेंड करेगी। तब तक हमारी वॉयस वहाँ तक बहुत लो हो जाती थी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जा तो रहा सब एनालॉग ही है, डिजिटल तो कोई है नहीं। कैपेसिटर डिजिटल करता है? नहीं करता है। तो आज के डेट में क्या कर दिया गया? पॉइंट है माइक में ही पॉइंट में क्या लगा दिया गया? CLK। कि हमने कुछ बोला यहीं पर, वो यहीं से ही कन्वर्ट हो गया डिजिटल में, और IC तक परफेक्टली पहुंच गया। तो वॉयस में हमारी कोई भी कमी आई? नहीं आई। इसलिए यूज किया जाता है डिजिटल माइक।
बात समझ आ रही नहीं आ रही कि पहले हम बोलते थे तो यहाँ से आवाज इन कंपोनेंट तक आईसी तक क्या जाती थी, कम हो जाती थी। लेकिन आज के डेट में क्या हमने जो बोला वो तुरंत ही कन्वर्ट हो गया डिजिटल में, प्रोसेसिंग होगी जाके, तो दूसरी तरफ जो आवाज़ है वो क्या है, क्लियर जाएगी। ये सिस्टम है, इसलिए डिजिटल माइक का यूज़ होने लगा है। बात समझ आ रही नहीं आ रही है? ओके, तो हो गया, आगे आगे बढ़ा जाए। अब ये तुम्हारा डिजिटल मल्टीमीटर होता है, जो ये इसके तार हैं रेड और ब्लैक, इनको हम लोग बोलते हैं प्रोब। क्या बोलते हैं? प्रोब, ठीक है। इसके बाद ये इसका ऑफ दिया है, जो ये स्विच इसका जो घूमता है ऐसे चारों तरफ, इसको हम लोग बोलते हैं रोटरी स्विच। ये जो यहाँ से लेके आप यहाँ पे ये देख रहे हैं इतना डीसी, डीसी का सिंबल है। यहाँ पे हम चेक करते हैं डीसी वोल्टेज। इसके बाद ये यहाँ से आप देख रहे हैं 750 और 200, 750 में कल बताया था एसी वोल्ट चेक करना, एसी वोल्ट टेस्टिंग यहाँ से होती है। यहाँ से ये जो पूरी दिया गया रेंज है इसको बोलते हैं ओम रेंज। यहाँ पर हम लोग क्या चेक करते हैं? रेजिस्टेंस। इसके बाद ये दिया गया है, इसको हम लोग बोलते हैं बजर मोड या रेंज। कंटिन्यूटी मोड या रेंज। बीप मोड या रेंज। इसके बाद डायोड मोड भी बोलते हैं, मोड या रेंज। इसके बाद दिया यहाँ पे HFE, HFE है ये। यहाँ से हम चेक करते हैं ट्रांजिस्टर। इसके बाद ये है, ये रेंज है आपकी एम्पियर को चेक करने के लिए। ये है इस मल्टीमीटर का। और ये ध्यान रखिएगा कि जब भी आप मल्टीमीटर लें तो कोई भी मल्टीमीटर हो, जो ये ब्लैक है, ब्लैक प्रॉप देख रहे हैं ना, ये हमेशा कॉम पे लगती है। ये जो रेड प्रॉब है यहाँ पे लिखा है वोल्टेज वी ओम मिली एम्पियर, और ऊपर एक और होल दिया गया है 10 एम्पियर, बट हमें फ़ोन के अंदर 10 एम्पियर की चेक करने की ज़रूरत होती नहीं है। अगर आप 10 एम्पियर चेक करना चाहते हैं तो ये रेड वाली प्रॉब निकाल के ऊपर वाले प्रॉब में होल पे लगा देंगे। तो अब मोबाइल में अपनों को नीड नहीं होती है, तो हम वोल्टेज ओम और मिली एम्पियर को चेक करने के लिए रेड प्रॉब यहाँ पे सेट करते हैं, वोल्टेज ओम मिली एम्पियर। ओके, बात समझ में आई कि नहीं आई? तो कई बार लोग बोलते हैं बजर मोड, कोई कंटिन्यूटी, कोई बीप, कोई डायोड मोड, तो इसका मतलब एक ही होता है। हाँ देखो, इस वाले मल्टीमीटर में एक डिजिटल का ही सिग्नल दिया गया है, डिजिटल इस तरीके से बना है, बट इससे होता नहीं है, फर्जीम दे दिया है। जैसे तुम लोग लिखवा देते हो लैपटॉप रिपेयरिंग, आती खाली विंडो डालना है लैपटॉप में, देखे तुमने? नहीं देखे हैं? होता है नहीं, गरम समोसे मिलते हैं, जाओ तो हमेशा ठंडे ही मिलेंगे। रिसीवर क्या काम करता है? आवाज को, वॉइस को रिसीव करने के। कहाँ सेट करना है? बजर मोड पे। हाँ, बजर मोड पे सेट करना है।
एक प्रॉब यहाँ पे लगाएंगे, एक प्रॉब यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे 28 से 32 वैल्यू यानी रीडिंग इसकी, प्लस बीप की आवाज चेक कराइए सर। वैल्यू प्लस, प्लस का मतलब साथ में, वॉल्यूम प्लस नहीं है, 28 से 32 वैल्यू आएगी, प्लस का मतलब यहां पे साथ में बीप की आवाज भी आएगी। शांत, थोड़ा शांत रहिए। देखिए ये है तुम्हारा रिसीवर या स्पीकर, ठीक है, ये ऊपर का केस होता है, ये बीच की जो लेयर होती है इसको बोलते हैं स्पाइडर, इसके बाद ये लगी होती है इसकी क्वाइल, इसके बाद ये इसके मैग्नेट है और ये इसका केसिंग है, ठीक है। अब अगर ये जो स्पाइडर है, अगर इस स्पाइडर में अगर होल हो जाता है तो इस स्पीकर से या रिसीवर से आवाज़ फटी फटी आती है, ठीक है। क्वाइल सब कुछ निकाल दो तब भी चेक करो, बीप तब भी करेगा क्योंकि इसके अंदर क्वाइल लगी हुई है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? कुछ लोग कहते हैं बीप कर रहा सही है, ऐसा नहीं है, बीप के साथ में उसकी रेजिस्टेंस भी जा रही है, उसकी कैपेसिटी यानी क्षमता भी आनी चाहिए, क्योंकि 28 से 32 प्लस बीप की आवाज़ होती है तो ये सही होता है। अगर कम या ज़्यादा आ रही है यानी कहीं ना कहीं उसके अंदर प्रॉब्लम है। और ये स्पाइडर मैन वाला नहीं होता, स्पाइडर होता है ये, इसको बोलते हैं। इसमें अगर जब होल हो जाता है तो फटी फटी आवाज़ आने लगती है, इतने लेयर्स होते हैं स्पीकर या रिसीवर में, ठीक है। ये देखिए कवर, स्पाइडर और ये वॉइस कॉइल, मैग्नेट, प्लेट्स और प्लास्टिक केस, इसी में ये कवर्ड होता है। तो ये क्लियर हुआ? ये किसी का छूटा, किसी का रह गया जिसने चेक ना किया हो? कोई ऐसा? ऐसी क्लासेस चलेंगे आपकी, जो बताएंगे वो यहीं पे चेक कराएंगे, 100% जो मैच करे तब बात करना। अगर वैल्यू 27 आ रही है, 26 आ रही है, यानी कि कुछ ना कुछ उसके अंदर कमी है, परफेक्ट यही है। क्या? हाँ तब भी कमी है। हम लोग चल फिर तो रहे हैं बढ़िया आराम से, अंदर कोरोना बैठा है, बाहर से तो दिख रहे हैं अच्छे, अंदर अंदर क्या है? अंदर कोरोना वायरस बैठा है। मिलते हैं पुल अप एंड पुल डाउन, अप भी है डाउन भी है, तो इसको बोलते हैं क्या, ये हाफ वोल्टेज हो जाएगा, और इसी को बोलते हैं डिवाइडर सर्किट। बीप करे तो सही। आर आर तीन टाइप के सर्किट सिंबल सर्किट में आपको देखने को मिलेंगे। मोबाइल के अंदर जो रजिस्टर लगे होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं चिप रजिस्टर, या फिर हम उनको बोलते हैं एसएमडी। क्या बोलते हैं? चिप रजिस्टर या फिर एसएमडी। कई तरह के रजिस्टर होते हैं, करंट सेंसिंग रजिस्टर एलडीआर, वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर एनटीसी या थर्मल, नेटवर्क रजिस्टर, फ्यूजेबल रजिस्टर। तो इतने टाइप के रजिस्टर फ़ोन के अंदर यूज़ होते हैं। हाँ इसमें ये वाला यूज़ नहीं होता, वीडीआर ये नहीं यूज़ होता है। तो इतने टाइप के रजिस्टर आपके फ़ोन के अंदर यूज़ होते हैं। अब देखने की अगर बात करें, ठीक है, तो कुछ रजिस्टर आप देख कर पहचान सकते हैं, ठीक है। जैसे ये वाला रजिस्टर है, ये वाला रजिस्टर आपका एलडीआर भी हो सकता है, हालांकि एलडीआर जो मैंने कल बताया था फोटो डायोड के अंदर इनबिल्ट होता है, बताया था कल, रजिस्टर जब उस पर लाइट पड़ती तो अपनी क्या करता है, रजिस्टेंस को कम कर लेता है। वीडीआर तो यूज होता ही नहीं, एनटीसी थर्मल रजिस्टर, ठीक है, और नेटवर्क रजिस्टर। और एक और होता है जो सबसे उसको तुम भूले गए हैं, जीरो पे लिख देते हैं, 1.0 पे नॉर्मल रजिस्टर, एसएमडी रजिस्टर, ये तो सभी में यूज़ होता है परमानेंट। और जितने भी रजिस्टर सब तुमको ऐसे देखने को मिलेगी जो इस पे ये कोडिंग लिखी होगी, क्या लिखी होगी? तो ये वाला होगा तुम्हारा करंट सेंसिंग रजिस्टर, कौन सा होगा? करंट सेंसिंग रजिस्टर। फ्यूजेबल रजिस्टर में 20 में 0 लिखा रहता है, या कई बार 0 नहीं होता है, ये तो कई बार देखा होगा तुमने रजिस्टर में क्या है कि 0 लिखा होता है। अगर 0 नहीं है तो ऐसा नहीं है कि 0 को फ्यूजेबल रजिस्टर नहीं है। एनटीसी
ऐसी भी आपको देखने को मिलेगा। तो देखकर आप ये नहीं पहचान सकते हैं कि कौन सा रजिस्टर कौन सा है। जैसे हम अगर बात करें एनटीसी या थर्मल रजिस्टर की, तो ऐसे देखने को मिलेगा। नॉर्मल रजिस्टर वो भी ऐसे देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। फ्यूजेबल रजिस्टर वो भी ऐसा होगा, लेकिन कुछ रजिस्टर में जीरो लिखा रहता है, तो इससे आप ये समझ जाएंगे कि ये फ्यूजेबल रजिस्टर है या जीरो वैल्यू का रजिस्टर है। ये जो इस तरीके से जो कोडिंग दी गई है फोन के अंदर, ये करंट सेंसिंग रजिस्टर होता है। क्या करता है? करंट को सेंस करता है, ओके। हाँ, अब एक और यहाँ पर है नेटवर्क रजिस्टर, जो कि नेटवर्क रजिस्टर किस तरीके से होता है, उसमें कई तरह के रजिस्टर आपस में जुड़े रहते हैं। ये देख रहे हैं, चार चार तीन तीन एक एक साथ में जुड़े हैं, तो एक दो तीन चार जुड़े हैं, तो चारों अगर एक 100 ओम का है तो बाकी तीन भी 100 ओम के होंगे। तो ये नेटवर्क रजिस्टर होता है, मोबाइल में कम यूज़ होता है, बट ये कंप्यूटर में है, कंप्यूटर के मदरबोर्ड या अदर सर्किटों में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। कुछ पुराने फ़ोन में आप देखेंगे तो ये भी आपको दिखाई देंगे, ठीक है। अब देखने की अगर बात करें, जैसे ब्लैक कलर की है, तो इनमें किसी कॉयल थी, कॉयल भी थी, क्या कैसी थी, ब्लैक कलर की हुआ करती थी। कॉयल भी ऐसे होती है, लेकिन कॉयल का ये सिरा उभरा हुआ होता है और ये एकदम फ्लैट होता है। क्या होता है? फ्लैट। और मोबाइल के अंदर सबसे छोटे होते हैं, क्या होते हैं? सबसे छोटे। तो चेक करिए एक बार, देखिए, और ये कोडिंग वाला भी रजिस्टर चेक करिए। देखिए, VDR फोन के अंदर यूज नहीं होता है, LDR यूज होता है, जहां पे आपकी ब्राइटनेस वगैरह होती है। वो किसमें यूज बताया था मैंने, फोटो डायोड के अंदर लगा रहता है। वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर ये यूज नहीं होता, LDR होता है, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। लाइट पड़ने पर यह अपनी क्या कर देता है, रजिस्टेंस कम कर देता है। क्या VDR यूज नहीं होता? वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर लिखा तो था, LDR लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। और ये वाले जो हैं, ये आपके नेटवर्क रजिस्टर होते हैं। किस तरीके से वर्क करता है? जब ये आप ब्राइटनेस फोन को लीजिएगा, ठीक है, जब ये लाइट मिले, जब आप लेके जाओगे, तो ये अपनी रजिस्टेंस क्या कर देता है, घटा देता है, घटा देता है। तो ब्राइटनेस कैसी हो जाती है? फुल हो जाती है, ठीक है। जैसे आप अंधेरे में आते हैं, तो ये अपनी रेजिस्टेंस बढ़ा देता है, तो लाइट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये सिस्टम होता है इसका। ये देखिए, जैसे मान लीजिए ये अगर 12 वोल्ट की बैटरी है, अगर ये 5 वोल्ट का क्या है, बल्ब है या कुछ भी है, तो बीच में क्या लग जाएगा, एक रजिस्टर लग जाएगा कि आगे जो जाएगा वोल्टेज कितना जाएगा, 5 ही जाएगा, और ये बल्ब तुम्हारा जलता रहेगा। इस तरीके से काम करता है, नहीं तो फुल चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, बल्ब या जो भी सर्किट है आगे वो खराब हो जाएगा। ये देखिए, स्पीड ब्रेकर देखा है, वो स्पीड को क्या करता है, कम करने का काम करता है स्पीड ब्रेकर। अब क्षमता के आधार पर क्या करता है, कम करता है। ये कोई छोटा ब्रेकर होता तो क्या होता उस पर, सीधा, अगर ऊंचा हुआ तो स्लो करना। तो डिपेंड करती है कि जो ब्रेकर है उसकी कैपेसिटी कैसी है। ऐसे जो आपके फ़ोन के अंदर जो रजिस्टर लगा होता है, वो रजिस्टर डिपेंड करता है कि कितनी वैल्यू जो है कम करेगा, कितना वोल्टेज कम करेगा। अगर कम वैल्यू का है तो कम वोल्टेज को कम करेगा एम्पियर को, ज़्यादा वोल्टेज का है तो ज़्यादा करेगा। क्षमता के आधार पर क्या काम करता है, वोल्टेज या एम्पियर को कम करने का काम करता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? जैसे यहाँ पे R1, R2, R3 तीन रजिस्टर सर्किट में लगे हुए हैं, तो सर्किट में भी हमको ट्रेसिंग के दौरान पे ये सब चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि सर्किट में कैसा दिखता है। अब आते हैं इसकी टेस्टिंग पे, ठीक है। तो इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, ओम रेंज होती है। रजिस्टर को जब चेक करेंगे तो उसकी जो वैल्यू आएगी उसको हम लोग रजिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? रजिस्टर की जो वैल्यू आएगी उसको क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस बोलेंगे। कुछ लोग रेजिस्टेंस को ही एक कंपोनेंट मानते हैं, नहीं, रजिस्टर की जो वैल्यू आएगी, जो कैपेसिटी या क्षमता आएगी, उसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। और इसकी यूनिट क्या होती है, ओम रेंज। तो मल्टीमीटर में 200 किलो ओम 2000 किलो ओम यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी टेस्टिंग होती है। तो अब जो आपका जो मल्टीमीटर है तो अब इस आपको क्या करना है, कोई भी रजिस्टर हो, चाहे ये कोडिंग वाला हो, चाहे ब्लैक वाला हो, कोई भी रजिस्टर हो, जितने रजिस्टर मैंने लिखाए हैं,
ठीक है, चाहे जीरो वाला हो चाहे हीरो वाला हो, आपको सबसे पहले क्या चेक करना है, 200 पे सेट करना है। तो एक ओम से लेके 200 ओम तक कहाँ चेक करेंगे, 200 पर। 200 अगर एक के ऊपर अगर आता है तो हम कहाँ चेक करेंगे, 2000 पर। और अगर एक किलो ओम के ऊपर है तो फिर हम 20 किलो पे, फिर 20 से 200 तक, 201 से 2000 तक। यानी कि पहले आपको यहाँ से शुरुआत करनी है। मल्टीमीटर की प्रॉब को कहीं भी लगा दीजिए, चाहे इस साइड लगाओ चाहे उस साइड लगाओ, तो पहले 200 पे रीडिंग आए, नहीं आएगी आप खट से ऊपर बढ़ जाएंगे, फिर ना रीडिंग आए फिर ऊपर ऊपर तक जाएंगे। अगर फिर भी रीडिंग नहीं आ रही है तो क्या है, वो खराब है। यानी कि रीडिंग्स यानी वैल्यू आनी चाहिए, जो रीडिंग आएगी उसको क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस बोलेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई, चलिए चेक करिए। अब सर चेक कराइए फटाफट। अब बातें हो गई हो तो आगे चला चला जाए। अब एसी रजिस्टर का हमें देखना है कि जो सर्किट होती है पुल अप और पुल डाउन। पुल अप जो होती है लॉजिक हाई होती है, लॉजिक हाई, लॉजिक लो लॉजिक हाई, पुल अप एंड पुल डाउन सर्किट रजिस्टर से ही होता है। कोई एक आईसी है, कोई भी समझ दो, जो भी है कोई भी आईसी यार, समझ सर्किट सब सिर्फ समझानी है। ठीक, इस पे प्लस की लाइन ये है, समझना पहले। इस पे कोई अगर रजिस्टर लगता है प्लस वाली पे, ठीक है, इसे मान लो 1.8 वोल्ट कोई भी वोल्टेज का होता है रजिस्टर लगा है, तो ये पुल अप सर्किट है। क्या है, पुल अप, पुल अप सर्किट है। अगर इसी रजिस्टर पे अगर हम नीचे से लगा दें और उसको एक सिरा क्या कर दें, ग्राउंड कर दें, तो ये पुल डाउन सर्किट हो जाएगी। ये पुल अप और पुल डाउन, यानी ग्राउंड से जो कनेक्टेड है पुल डाउन हो गया, और ऊपर जो जो सीरीज पे जो लगा है वो पुल अप रजिस्टर, और ये पैरेलल हो गया जाके, क्योंकि एक सिरा इसका किससे, प्लस से कनेक्टेड है, और एक सिरा इसका GND से, तो ये पुल डाउन सर्किट हो गया। ऊपर वाला प्लस से ही रहेगा, ठीक है। तो अब ये जो आपका फोन होता है वो लॉजिक हाई और लो से काम करता है, लॉजिक हाई और लॉजिक लो, यानी कि ये सिस्टम रहता है हाई लो। ये डिजिटल फोन प्रोसेसिंग करता है, या फिर कह सकते हो 1 0, हाई और लो। यानी कि जब कई बार सर्किट है, आगे भी ट्रेसिंग में सीखोगे, फिलहाल इतने सीखो, ज्यादा कंफ्यूजन में हो जाओगे, पुल अप और पुल डाउन। अब ये तुमको दोनों एक साथ मिल सकते हैं या फिर दोनों नहीं मिलेंगे, ठीक है, बात समझ लो पहले। और इसी को जब ये दोनों मिलते हैं, पुल अप एंड पुल डाउन, अप भी है डाउन भी है, तो इसको बोलते हैं क्या। अगर ये मान लीजिए 100 किलो ओम का रजिस्टर है, ये भी 100 किलो ओम का रजिस्टर है, दोनों रजिस्टर सेम है, तो ये हो जाए क्या, डिवाइडर सर्किट। सर्किट डिवाइडर सर्किट हो जाएगी। तो अगर यहां पे 1.8 वोल्टेज है, 100 किलो ओम का रजिस्टर यहां लगा, 100 किलो ओम का रजिस्टर वहां पे लगा है, तो यहां इसका क्या आएगा जी, बताओ, इसका आधा कितना हुआ जाएगा, 1.8 का 9.0 वोल्ट यहां पर आएगा। डिवाइडर सर्किट कहते हैं हाफ और हाफ। हाँ, अरे अरे कोई दिक्कत नहीं यार, हाफ हो जाएगा वो तो समझ लो भावनाओं को, ये हाफ वोल्टेज हो जाएगा, और इसी को बोलते हैं डिवाइडर सर्किट। टॉलरेंस, क्षमता क्या बोलते हैं, टॉलरेंस। तो टोल जैसे अभी जैसे बड़े जो आते हैं रजिस्टर, उसमें जैसे गोल्ड है, तो गोल्ड का होता है प्लस माइनस 5%, सिल्वर प्लस माइनस 10%, और नो कलर, कलर का होता है प्लस माइनस 20%। यह इसकी टॉलरेंस यानी कि क्षमता होती है। क्षमता का मतलब नहीं समझ पाए, चलो समझाते हैं। हाँ भाई खड़ो, तुम ही भाई रहे, हाँ तुम बहुत जल्दी में रहते हो, इसलिए क्या रोटी खाना खाते हो,
चार, ज़्यादा अच्छी सब्जी मिल जाए तो कहे पाँच, पाँच खा जाओगे। अगर एक कम भी मिले तो, एक कम भी मिले तो भी काम चल जाएगा ना, यही टॉलरेंस, यही क्षमता है। बात समझ में आएगी नहीं आएगी? कि जितनी रिक्वायरमेंट है उससे थोड़ी ज़्यादा अगर हो गया तो ये कैपेसिटी यानी आपकी क्षमता की ऊपर डिपेंड कर, थोड़ा कम भी है तब भी आपका काम चल जाएगा, होता है कि नहीं होता है? लेकिन ससुराल पहुंच जाओ तो जिया जी एक और खा लीजिए, हैं, बाद में छेना और आएंगे, हैं, इसको भी ले लीजिए। हाँ तो वही तो बात कर रहे हैं टॉलरेंस यानी क्षमता की, तो वहां पर भी हम मना करोगे कि खाते जाओगे क्या, हैं? चार सालियां चारों एक एक लेके आएगी फिर, तो बात है टॉलरेंस की। तो देखिए अब जो हमारे पास जो चिप रजिस्टर है, इधर देखिए पहले समझिए, हमारे पास जो फोन के अंदर रजिस्टर है तो उसमें कलर तो लिखा नहीं, कहीं लिखा है कहीं नहीं लिखा है, ना तो गोल्ड दिखाई पड़ता है ना सिल्वर दिखाई पड़ता है या नो कलर, तो हम यार इतना तो ले ही सकते हैं ना, ये तो सभी में होता है, होता है कि नहीं होता है? सभी जितने रजिस्टर हैं तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अगर 100 ओम का रजिस्टर लगा है कहीं पर तो वहाँ पर हम 105 लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते? बिल्कुल लगा सकते हैं। 95 ओम का लगा सकते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना, अगर एग्जैक्ट वैल्यू का नहीं मिल रहा है तो 5% का हम 5% को अपने हिसाब से लगा सकते हैं और ये काम कर जाएगा। ठीक है, लिख लीजिए इसको। अच्छा सर देखो पीछे तो रजिस्टर कभी शॉर्ट होता ही नहीं है, रजिस्टर कभी शॉर्ट नहीं होता है, ओपन हो जाएगा, लीक हो जाएगा, आपकी रेजिस्टेंस जो है अपनी वैल्यू बढ़ा लेगा नहीं घटा लेगा, लेकिन शॉर्ट नहीं होता कभी। तो फिलहाल तो हम लोग इसको ओम पे चेक करेंगे। अब एक और नया पॉइंट यहाँ पे जोड़ दीजिए, 60 ओम से कम वैल्यू का रजिस्टर बजर मोड पर बीप करे तो सही। तो पहले चेक करिए, अभी आप 2-3 ओम के जब चेक कर रहे थे उनको, फिर बजर मोड पर चेक करिए सही है कि नहीं है, चेक करो। हाँ हाँ 5% ले सकते हैं, चेक करिए 60 ओम से कम रजिस्टर बजर मोड पे बीप करे तो सही है, लेकिन ग्राउंड से नहीं। भाई टेस्टिंग बिल्कुल